जय राधा माधव, जय कुंज विहारे, जय राधा। जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बनचारी, यमुना यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्णा बलराम गौर निताय जय राधेश्याम, जय कृष्णा बलराम गौर निताय जय राधे श्याम, जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदाय जय गुरु देवाय,
নিতাই গৌর হরিব 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 নিতাই গৌর হরিব जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजागाचार स्टोतर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा गुरु और गौरांग की जय जयकार हो हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोयम रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्सवे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद्भागवतम के अष्टम स्कंद में द्वाविंश अध्याय 22वां अध्याय तदनंतर 3 श्लोकों की श्रृंखला देखेंगे, 34, 35, 36 में तात्पर्य है। न त्वाम अभि भविष्यन्ति लोकेशः किमुता परे त्वत्शासनात् अतिगान त्वत्शासन अतिगान दैत्यांश चक्रम मे सुदयस्यति। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या अन्य लोकों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे? भगवान बावन देव बलि महाराज से कह रहे हैं। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या अन्य लोकों के प्रधान देवता भी नहीं तुम्हें जीत पाएंगे? रही असरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वाम् सानुगम सापरिच्छेदम् सदा सन्निहितं वीरा तत्र माम द्रक्षते भवान्। हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। अब इस श्लोक की हम पुनरावृत्ति करेंगे 3 बार। तत्र दानव दैत्यानां संगाते भावयासुराः दृष्ट्वा मद अनुभावं वै सद्या कुंठो विनक्षति। तत्र दानव दैत्यानां संगाते भावयासुराः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्या कुंठो विनक्षति। तत्र दानव दैत्यानां संगाते भावयासुराः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्या कुंठो विनक्षति। माता जी,
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तत्र उस स्थान में दानव दैत्यानाम असुरों और दानवों की, दानव और दैत्यों की संगात संगति से ते तुम्हारी भावः मनोवृत्ति आसुरः आसुरी दृष्ट्वा देखकर मत अनुभावम् मेरी सर्व सर्वश्रेष्ठ शक्ति वै निश्चित ही निस्संदेह सद्यः तुरंत कुंठः चिंता विनक्षति नष्ट हो जाएगी। तो तत्र दानवात दैत्यानाम संगात ते भावा आसुरा, तो कहने का भाव है कि तुम्हारा जो असुर भाव उत्पन्न हुआ है कैसे, बोले दैत्य और दानवों की संगति से। तो भगवान कह रहे हैं कि दृष्ट्वा मद अनुभावम मेरी कृपा के कारण वही निश्चित ही सद्या कुंठो विनश्यति जो तुम्हें दुर्भाव प्राप्त हो गए हैं, दुस्संग प्राप्त हो गया है, मेरी कृपा से तुम्हारे सारे दुर्गुण स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे सद्यः। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए, चूंकि तुम्हें वहां मेरे पराक्रम, चूंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असरों तथा दानवों की संगति से तुम्हें जो भौतिकवादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। तात्पर्य, श्री भगवान वामन ने बलि महाराज को सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया और अंत में यह भी आश्वासन दिया कि वे असुरों की कुसंगति के प्रभाव से उनकी रक्षा करेंगे। बलि महाराज निश्चय ही महान भक्त बन गए, किंतु उन्हें कुछ चिंता थी कि उनकी संगति शुद्ध भक्तिमय नहीं है। इसलिए श्री भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी आश्रु मनोवृत्ति नष्ट हो जाए, आश्रु मनोवृत्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में भक्तों की संगति से आश्रु मनोवृत्ति जाती रहती है, चली जाती है। सताम प्रसंगा मवीर संवेदो भवंति हित कर्ण रसायन कतः तज्जोषणादादो आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। जब कोई असुर श्री भगवान की महिमा का गायन करने वाले भक्तों की संगति करता है तो वह क्रमशः शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों वैष्णवियों के चरणों में दास कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करता है। आप दास के ऊपर कृपालेश वर्षण करिए, वैष्णव की कृपा से ही जीव का उद्धार हो सकता है। दास भी कृपा प्रार्थी है कि आप सभी कृपालेश मेरे ऊपर प्रेषित करें जिससे श्रीमद्भागवतम का सही मर्म उपस्थित हो सके। अध्याय का ये सबसे अंतिम श्लोक है, चरम श्लोक है। इसमें भगवान ने बलि महाराज के सर्वतो जितने भी पाप थे वो तो पहले ही नष्ट हो गए थे। ये तो सब कहने की बात है, भगवान का दर्शन स्वयं प्राप्त हो गया है तो पाप तो वैसे ही नहीं रह सकता है। जहाँ नाम की महिमा में कहा गया है कि एक बार नाम आभास के रूप में भी अगर कोई नाम ले लेता है तो वहाँ पाप राशि सारी, करोड़ों करोड़ों जन्मों की पाप राशियां, करोड़ों पाप राशियां तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। तो जहां स्वयं साक्षात भगवान हरि हैं तो वहां पे किसी के दुर्गुण पाप ये सब रह गए हो ये तो सब कहने की बात है, लेकिन फिर भी भगवान
बलि महाराज की बात रखने के लिए कह रहे हैं। कई बार ऐसी चीज होती है कि हो तो पहले ही जाती है, लेकिन उसकी बात रखने के लिए या उसको और अधिक सारगर्भित दिखाने के लिए फिर से पुनरावृत्ति की जाती है। जैसे हरेर नाम एव केवलम, तो यहाँ पे तीन बार वैसे ही बोल दिया हरेर नाम, फिर एव बोला, एव का अर्थ भी क्या होता है ही, और केवल का अर्थ भी क्या होता है ही, वही होता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अधिक जोर दिखाने के लिए कभी कभी ऐसा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी कह रहे हैं कि देखो बलि, तुमने जो आत्मसमर्पण मुझे प्रस्तुत किया है निश्चित ही ये उत्तम कोटि का है, लेकिन फिर भी दैत्य दानवों के संग से तुम्हारे अंदर जो कुसंस्कार या फिर कहें ऐसे संस्कार उत्पन्न हो गए हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। हाँ, जैसे कई बार भक्त लोग भी जैसे कहीं प्रचार उचार में जाते हैं, कहीं बड़े सेठ जी के घर में गए, अब सेठ जी का बंगला इतना बड़ा कि घुसते हैं तो पता ही नहीं चलता कहाँ तक जा रहा है बंगला, तो कभी कभी भक्तों के मन में भी लालसा उत्पन्न हो जाती है कि भाई हमारे पास भी इतना बड़ा नहीं, इसका आधा भी होता तो भी ठीक रहता। तो ये कहलाता है दुस्संग, कि हम गए प्रचार करने के लिए, किसी को कृपा देने के, लेकिन कभी कभी उनका भी हमारे उन पर प्रभाव पड़ जाता है। एक बार एक भक्त बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, एक भक्त प्रचार कर रहे थे, कुछ विदेशी भक्त थे उनको प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप संग दे रहे हैं कि संग ले रहे हैं, है ना, दो चीजें हैं। हम किसी को प्रचार कर रहे हैं तो हम अपनी चेतना उसको प्रदान करें, बहुत अच्छी बात है कि वह अभी नाम जप करने लगे, भागवत पढ़ने लगे, भगवान का दर्शन करने लगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उससे संग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तभी नहीं होगा कि जब हम अपने सिद्धांत पर या फिर कहें अपनी भक्ति में जब दृढ़ रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन हमारी भक्ति अगर सतह पर होगी, उथली होगी, तो ऐसा होने की संभावना है। वही यहां पे बलि महाराज को निर्देश किया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं या इसी जन्म के संस्कार हैं वह आपका सदा सर्वदा राक्षसों से लेना देना रहता है, असुरों से, दानवों से, दैत्यों से ही लेना देना रहता है, तो आपके अंदर बहुत संभावना है कि कुसंग प्रवेश कर गया होगा। इसलिए आप चिंता मत करो, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्ट्वा मद अनुभवम भाई, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी है, भगवान कह रहे हैं बावन भगवान कि देखो बलि, तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी है, और जिसके ऊपर मैं कृपा कर देता हूं उसके ऊपर सांसारिक भौतिक लेस कुछ भी नहीं रहता है। पूर्व के अध्याय में हम देखे आए हैं कि जब भगवान ने बलि महाराज को बांध दिया था, बांधने से क्या हुआ, बलि महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। अब देखिए ना, बामन भगवान ने बलि के साथ क्या क्या किया, पहले तो जितना उनका वैभव, जितना साम्राज्य, सब कुछ तो सब छीन लिया है ना। अब सोचिए हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा पास जो कुछ है वो सब कुछ छिन जाए तो क्या होगा, है ना। तो पहली प्रश्न आ जाता है कि अरे हमने तो भगवान को समर्पण कर दिया था, हम भक्ति करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बावन बलि महाराज के मन में कभी भी ऐसा नहीं आया, सबसे पहले उनका धन छीन लिया गया, वो तो छीन लिया अच्छी बात है, फिर इसके बाद उनकी जो भूमि इत्यादि थी सब उससे भी च्युत कर दिया गया, वो भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, उनको बांध भी दिया गया, है ना। बावन भगवान ने उनको बांध दिया, अब इससे बड़ा क्या दंड हो सकता है। लेकिन फिर भी बलि महाराज के मन में तनिक भी विचलता नहीं आई, विचलित उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, गोपियों जैसी दशा है ये, यद्यपि गोपियों से तो तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक अंश में यहां पे ये भाव बड़ा ही देखने को आ रहा है। जैसे अगर राजपंचाध्याय का विवरण देखा जाए तो भगवान आकर्षणी वंशी का वादन करके गोपियों को बुलाते हैं,
फिर कहते हैं लौट जाओ लौट जाओ। पर गोपियां तो हतप्रभ रह जाती कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि पहले तो बुलाते हैं फिर लौटने के लिए बात कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी देखने में आ रहा है कि यहां पर बावन भगवान ने बहुत बड़ी एक प्रकार से क्या की है, छलावा किया है। अब आए थे तो छोटे छोटे बन के आए थे, बावन थे, छोटे से बालक जैसे थे, बटुक बटुक में भी मौना स्वरूप था। और उसके बाद जब मांगने आए तो मांगा केवल तीन भुवक, और जब मापने लगे तो क्या हुआ, कुछ अलग ही चरण निकल आए, तो यह भी अच्छी बात नहीं है। तो यहां पे उल्टी बात हुई है सारी, बावन भगवान ने छलावा किया है लेकिन बावन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ छल किया है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें तीन पग भूमि दूंगा, तुम तो दो ही पग दे के रह गए, ये क्या बात हुई, तुमने मुझे ठगा है, तुमने मुझसे वंचना की है, झूठ बोला है। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं प्रभु आप ऐसा मत कहिए, हमारा जो भी कुछ है सब आपका ही है, आप जो कह रहे हैं आप उसकी एक बात की जांच कर लीजिए, पहले ये बताइए आपने जो कुछ भी अभी तक लिया है दो पग में वो किसके अधीन था, बावन भगवान को बोलना पड़ा, तुम्हारे अधीन था, स्वामी के अधीन, जितना भी दान होता है या फिर जितनी भी संपदा होती है, जितना भी वित्त होता है वो किसके अधीन होता है, जो वित्त का स्वामी होता है उसके अधीन होता है। तो श्रीधर स्वामी पाद निरूपित करते हैं इस श्लोक में, द्वितीय श्लोक में, कि जब सब कुछ मेरे अधीन है, बलि महाराज कह रहे हैं, तो जितना भी वित्त है उसका स्वामी मैं हूं, तो अभी मैं बाकी हूं। हे भगवान आप तो जानते ही हैं जितनी भी संपदा होती है वो किसके अधीन होती है, स्वामी के अधीन होती है, तो जब तक स्वामी है तो आप मुझ स्वामी के ऊपर अब चरण विन्यास करिए, अब चरण रखिए। भगवान इनकी बुद्धिमत्ता और उनके समर्पण को देख करके रीझ गए, भगवान को लग रहा है कि अरे भाई इतनी अच्छी भक्ति दिख रहा है ऐसा, बावन यहाँ पे बलि महाराज हमेशा ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो दान कर रहे हैं, लेकिन दान नहीं कर रहे हैं। आगे जाके जो विंध्यावली जी ने एक जो श्लोक कहा है, बड़ा ही मार्मिक श्लोक है, आगे जाके हम देखेंगे कि बड़ा ही सार गर्भित भाव वहां पे प्रदर्शित हुआ है। यहाँ पे बलि महाराज कभी नहीं दिखा रहे हैं कि हमने आत्मसमर्पण किया है या हमने भक्ति की है, बलि महाराज क्या दिखा रहे हैं कि हमने दान दिया है ना। दान एक कर्म कांड की शैली है कि भाई जितना हम दान देते हैं अगले जन्म में उतना या उससे कुछ अधिक मिल जाएगा, जैसे भी योग्य पात्र को दान दिया जाता है वैसा हमें प्राप्त हो जाता है, ये दान की महिमा है। इसलिए प्राय लोग दान दिया करते हैं, जो भक्तों को दान देते हैं उनको हजारों करोड़ों गुना गुण मिलता है, जो सामान्य ब्राह्मणों को देते हैं तो उतना तो मिल ही जाता है, जो कुछ विशिष्ट जिनको ब्रह्म तेज स्वरूप ब्राह्मण है, जिन्होंने ब्रह्म का आस्वादन कर लिया है या फिर कहीं भगवत आस्वादन कर लिया, उनको देते हैं तो हजारों गुना मिलता है। और एकदम ही जो तुच्छ प्राणी है, जो अधर्मी है, अगर उसको भी दान देता है तो कम से कम उतना तो मिलता ही है, तो दान की बड़ी महिमा है। तो मानो बलि महाराज यहाँ पे दान की महिमा दिखा रहे हैं लेकिन भक्ति छुपा के रख रहे हैं। हाँ बलि महाराज भगवान की जो कृपा है उसको जरूर दिखा रहे हैं कि देखो प्रभु आपने हमारे ऊपर और हमारे हम असुरों के ऊपर कितनी कृपा की है वो तो हम ही लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बलि महाराज ने कहा कि हे उत्तम श्लोक भगवान मम एरितम बचो विलेकम सूर्यवर मन्यते, हे सूर्यवर, सूर्यवर मतलब देवताओं का भला करने वाले, हे उत्तम श्लोक, ये उत्तम श्लोक कटाक्ष में है। कटाक्ष में कैसे कि अरे आपकी तो उत्तम उत्तम श्लोकों से स्तुति की जाती है, ये कौन सा आपने उत्तम कार्य किया है, आए तो थे छोटे छोटे पैर लेकर के और नापने गए तो ये बड़े पैर निकाल लिए, ये कोई बात हुई क्या। तो ये द्व्यर्थक बात कर रहे हैं यहाँ पे बलि महाराज, चक्रवर्ती पाद और श्रीधर स्वामी पाद दोनों ही नहीं बताया है। हे उत्तम श्लोक भगवान ममे रितम बच्चो बलिकम सुरुवरे मन्यते, चिंता मत करो आपने जो कहा है ना, करोमि रितम तत् न भवेत प्रलंबनम, आप चिंता मत करो, आपने जो कहा है ना कि तीन पग भूमि दूंगा, मैंने जो कहा कि तीन पग भूमि दूंगा तो मैं आपको अवश्य तीन पग भूमि दूंगा, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि महाराज के सिर पर रखा।
बलि महाराज कृतकृत हो रहे हैं। श्री विग्रह के चरण दर्शन में इतना आनंद आता है। अब सोचिए कि स्वयं भगवान ने अपना चरण विन्यास किसी के माथे पर कर दिया हो, सिर पर कर दिया हो, कितना सुख प्राप्त हो रहा होगा बलि महाराज। तो बलि महाराज के ऊपर भगवान ने जैसी कृपा की है, वैसी कृपा तो शायद ही किसी जीव के ऊपर हुई होगी। स्वयं अपना चरण रख देना कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। इसके बाद बलि महाराज बोलते हैं कि देखिए प्रभु, मैं तो ना तो नरक से डरता हूं और ना ही आपके इस नागपात से डरता हूं। भगवान मानो पूछे तो किससे डरते हो, तो बोल रहे असाधुवादात भ्रम उद्भजे यथा। मैं तो केवल असाधुवाद कि मेरे वचन कहीं झूठ ना हो जाए। अरे भगवान ने कहा बहुत सारे लोग जगत में झूठ बोलते हैं, तुम ही कोई विरले हो के झूठ बोल रहे हो। बलि महाराज कह रहे नहीं नहीं महाराज, मुझे सबसे बड़ा भय ये है कि भगवत भक्ता ब्राह्मण वंश का, कि अरे भगवान के भक्त, तो बलि महाराज अपने आप को ब्रह्म भगवान का भक्त मान रहे हैं, कि भगवान के भक्तों ने ब्राह्मणों को ठग लिया। जितने भी ब्राह्मण भक्त हुए हैं, विष्णु भक्त हुए हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हुए हैं, वो सभी ब्राह्मण हुए हैं, ब्राह्मणों की बड़ी उपासना करते हैं। लोग मेरा नाम धरेंगे कि एक ये बलि हुआ जिसने अपने अर्थ के लोभ में, अपने पद के लोभ में ब्राह्मण की वंचना कर दी। मैं पूरे वैष्णव समाज के ऊपर यह आक्षेप नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि विभेमी, मैं डरता हूं तो किससे, असाधुवादात। साधुवादात मतलब अच्छी बात, असाधुवादात मतलब बुरी बात। मैं केवल बुरी बात से ही डरता हूं। कौन सी असाधुवाद, कि लोग कहेंगे अरे ये कैसे वैष्णव हैं, ये तो ब्राह्मणों को ठगते हैं। तो पूरे वैष्णव संप्रदाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे ना तो नरक से भय था, ना आपके नागपात से, ना किसी प्रकार के दंड से। मुझे भय है तो किससे भय है, केवल असाधुवाद से। कहीं लोग कुत्सा ना करें, कहीं ये ना कहें कि वैष्णव कैसे हैं ये, अरे एक वैष्णव हुआ था जिसने ब्राह्मणों को ठग लिया, तो मैं इससे डर रहा हूं। हे प्रभु आप तो हमारे गुरु तुल्य ही हैं। भगवान कहें गुरु कैसे, हम तो तुम्हें ठग रहे हैं, तुम्हें दंड दे रहे हैं, हम कैसे गुरु हो गए। बोले नहीं नहीं आप हमारी गुरु हो। बोले कैसे, बोले जगत में जितने भी गुरु हैं, गुरु अर्थात जो हमसे बड़े हैं आयु में, माता पिता हो गए या गुरुजन हो गए, कोई भी ज्येष्ठ व्यक्ति गुरु कहलाता है, तो आप हमारे गुरु हैं। जगत में जितने भी गुरु हैं या माता पिता हैं, केवल उसलिए दंड देते हैं कि जिससे हमारी आजीविका चलती रहे, हमारा भरण पोषण चलता रहे। जैसे माता पिता होते हैं, बालक की पढ़ाई तब करते हैं जब वो पढ़ता नहीं है। बालक बड़ा हो जाता है, माता पिता कब बालक को डांटते हैं, जब वो कुछ कमाता नहीं है। कोई भक्ति नहीं कर रहा इसके लिए कोई नहीं डांटता है ना। तो जगत में भी, जगत में क्या, भक्तों में भी देखा जाता है कि अगर कोई भक्ति ज्यादा कर रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई के लिए डांट दिया जाएगा, भक्ति के लिए प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा। भक्तों में भी जब ये दशा है, तो बाहर जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है उनकी क्या दुर्दशा है, उसकी तो कल्पना की ही जा सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। कैसे, क्योंकि आपने जैसी शिक्षा हमें प्रदान की है, ऐसी शिक्षा और कोई प्रदान नहीं कर सकता। आपने हमारा सर्वस्व हरण कर लिया, धन भी ले लिया, भूमि भी ले ली, नागपास में भी बांध दिया, अब हमारा कुछ बचा ही नहीं है। जैसी कृपा आपने की है, ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप हमारे गुरु हैं। और वास्तव में प्रभु आप जैसी कृपा जीवों के ऊपर करते हैं, विशेष रूप से हम असुरों के ऊपर, ऐसी कृपा तो आप देवताओं के ऊपर भी नहीं करते हैं। भगवान कहे अरे मैं तो हमेशा ही देवताओं का भला करते हुए देखा जाता हूं, ऐसी बात तुम कैसे कह रहे हो। तो बलि महाराज ने कहा अभी बताते हैं, देखो आप परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो आप देवताओं के साथ में दिखते ही हो। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने देवताओं को ही भला चाहा, अमृत देवताओं को ही पिलाया। लेकिन जब आप अपनी दृष्टि से या अपने समक्ष देवताओं के द्वारा हम असुरों का वध कराते हैं, तो हमारे ऊपर आप विशेष कृपा करते हैं, इन देवताओं के ऊपर आप कृपा नहीं कर रहे हो, हमारे ऊपर ज्यादा कृपा कर रहे हो। ये बात है, क्यों, क्योंकि जब आपकी दृष्टि का छेप, आपका दृष्टिपात हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी मृत्यु होती है उस समय, तो हम सीधे
भगवत धाम को चले जाते हैं, मुक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। अब जिसका जैसा भाव है वैसा चले जाते हैं, कोई ब्रह्म सायुज को प्राप्त करता है, कोई भगवान के धाम में भी चले जाते हैं, दोनों प्रकार की चीजें हैं। तो आप हमारे सही गुरु हैं और आप हम असुरों के सच्चे शुभचिंतक हैं। जब भगवान ने बलि महाराज के अंदर इतनी पॉजिटिविटी, जब इतनी सकारात्मकता देखी, तो भगवान तो एकदम गदगद हो गए कि मैंने इनका हर प्रकार से अहित चाहा है, धन ले लिया, पूरा मान प्रतिष्ठा को छीन कर दिया, इनको बंदी बना दिया, कुछ भी इनके पास नहीं है, फिर भी देखो ये मुझे समर्पण कर रहा है और मेरे द्वारा किए गए हर एक कृत्य को ये मान रहा है कि मैं इनके ऊपर कृपा कर रहा हूं। भगवान इस बात को देख करके एकदम रीझ गए। भगवान यहां पे केवल थोड़ी सी कृपा करने के लिए आए थे बलि के ऊपर। भगवान ने सोचा ठीक है बलि योग्य हैं। जब भगवान ने देखा कि बलि इतने योग्य हैं, तो भगवान ने फिर आगे जाके इनको वरदान दिया। अभी देखा हमने 34वें 35वें श्लोक में कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि ये तुम्हारा जो इंद्रपद है ना, अभी देखो मैं तुमसे उधार के रूप में ले रहा हूं, तुमसे छीन नहीं रहा हूं। भगवान आगे जाके मानो ये कह रहे हैं, मैंने अभी अभी अपनी माता अदिति को वचन दिया है कि मैं आपके पुत्रों को यथावस्थित स्थित कर दूंगा, उनको देव पद दे दूंगा, तो मैं तुमसे कुछ समय के लिए, मात्र एक दो मनमंत्र के लिए तुमसे ये इंद्र पद मांग रहा हूं। आगामी जो अष्टम मनमंत्र होगा सावरणी, तो उसमें मैं तुमसे तुम्हें फिर से इंद्र बना दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पद सुरक्षित है, मैं तुमसे केवल उधार ले रहा हूं कुछ समय के लिए। मानो फिर आगे जाकर भगवान ने इस प्रकार से कहा बलि महाराज से, क्यों कि भाई जो व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पण कर चुका है उससे हम क्या छीने। आत्मनिवेदन की जो पराकाष्ठा है वो यहाँ पे बलि महाराज में देखने को मिल रही है। इसके बाद भगवान ने एडिशनल उनको कुछ बेनिफिट दिए, अतिरिक्त लाभ भी दे रहे हैं। क्या लाभ दे रहे हैं कि देखो तुमने इतना समर्पण किया है तो अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें, तुम सुतल लोक में जाओगे, ये ध्यान रखो सुतल लोक का जो वैभव है वो देवलोक से भी अधिक है। हाँ, देवताओं का जो वैभव है, वहां के जो रत्न सोना चांदी और जितना भी वैभव है, जितनी प्रकार की आयु है, उतना ही वैभव सुतल लोकों में भी होता है। जितने भी नीचे के लोक हैं, बिल स्वर्ग बोला जाता है, ऊपर के स्वर्ग होते हैं और नीचे के बिल, बिल मतलब छेद वाले स्वर्ग, अंधेरे में रहते हैं, लेकिन वहां पे इतने मणि रहते हैं कि उनसे बहुत सारा प्रकाश होता है। अगर आप पंचम स्कंद पढ़े ही हैं, तो अगर आप पंचम स्कंद में देखेंगे तो वहां पे बिल स्वर्ग का जो वैभव है उसका विशाल वर्णन आता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो बलि, मैं तुम्हें सुतल लोक प्रदान करता हूं, वहां के तुम राजा रहोगे और चिंता मत करो, वहां पे कोई भी तुम्हारा अनिष्ट ना कर सकेगा, मैं स्वयं वहां पे द्वारपाल के रूप में रहूंगा। भगवान इतने बलि की भक्ति से प्रसन्न हुए कि स्वयं द्वारपाल बनना चाहे। यद्यपि अगर आप बृहद भागवतम अमृत पढ़े, श्री सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा कृत, तो बृहद भागवतम में इसका सिद्धांत कुछ अलग तरीके से दिखाया। वहां पे जब गोप कुमार के द्वारा देखा जाता है कि इस जगत के सबसे बड़े भक्त कौन हैं, तो एक एक करके आगे जाते हैं। तो जब प्रहलाद जी और बलि महाराज के पास में वह पहुंचते हैं कि अरे आप महान भक्त हैं, नारद मुनि देखने जाते हैं कि कौन बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि जब देखते हैं कौन बड़ा भक्त है, तो जब प्रहलाद के पास जाते हैं तो बोले अरे ये तो सब कहने की बातें हैं, देखो हमारे बलि को सुतल लोक में भेज दिया और द्वारपाल के रूप में स्वयं भगवान बैठ गए कि मानो कहीं बचला ना जाए फिर से आक्रमण करने के लिए। तो ये वास्तविक जो भाव है वहां पे सनातन गोस्वामी इनका दिखा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक भाव नहीं है, ये वो दीनता में दिखा रहे हैं। वहां पे जितने भी, जैसे पांडवों के पास में गए तो पांडव बोलते हैं कि हम बड़े भक्त नहीं है, हमसे बड़े भक्त तो ये है। चक्रवर्ती राजा के पास गए तो बोले हम बड़े भक्त नहीं है, ये है। इस प्रकार से एक एक करके इंद्र के पास, फिर इंद्र से बड़े ब्रह्मा के पास, फिर ब्रह्मा से बड़े शिव जी के पास, फिर आगे आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसके बाद अंतोगत्ता गोपियों के पास में पहुंचाया जाता है उनको। तो वहां पे अपनी दीनता दिखाई जा रही है, लेकिन एक भाव इस प्रकार का भी सनातन गोस्वामी प्रकट करते हैं कि मानो बावन भगवान यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमने तुम्हें बंदी ही बना लिया है, मानो अब तुम और कहीं आक्रमण नहीं कर सकते। बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे अवस्थित हैं।
जो भी भाव लें, दोनों ही भाव आचार्यों के द्वारा प्रदत्त हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ग्रहण कर सकते हैं। हमारे लिए तो यही भाव श्रेष्ठ है कि बलि महाराज के शुभ चिंतक होकर के बलि महाराज को दर्शन लाभ देने के लिए ही भगवान वामन देव वहां पे अवस्थित हुए हैं, जिससे अपने भक्त का वो सदैव हित कर सकें। जब इस प्रकार से भगवान ने इनको पूरा वरदान दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो इसके बाद प्रहलाद महाराज वहां पे उपस्थित होते हैं। प्रहलाद महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज जैसे ही आए, उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, ये धन संपदा वैभव ये तो क्षणभंगुर है, ये देह भी कुछ काल के लिए ही रहता है, जितनी भी संपदा है ये तो क्षीण ही होने वाली है, और जो भी कुछ है इस जगत में जागतिक वस्तु है ये सब क्षणभंगुरी है। शाश्वत वस्तु है तो वो केवल आपकी भक्ति ही है, इसलिए आप अपनी माया से हमें सुरक्षित रखें और अपनी भक्ति प्रदान करें, हम केवल आपसे यही याचना करते हैं कि हे प्रभु, आपका जो बांधना है वो बांधना बांधना नहीं है, ये तो आपकी कृपा ही है कि आपने हमसे जितना भी हमारा वैभव है वो तो छीन लिया, लेकिन आपका अनुग्रह प्रदान कर दिया। ठीक इसी प्रकार से विंध्यावली जी भी यहाँ पे वही भाव प्रस्तुत कर रही हैं। विंध्यावली जी ने जो भाव प्रस्तुत किया है, जो बलि महाराज का वास्तविक भाव है वो प्रदर्शित किया। बलि महाराज अभी तक दान दिखा रहे थे कि हमने आपको दान किया है, लेकिन विंध्यावली जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम दान नहीं कर रहे हैं, हम तो समर्पण कर रहे हैं। समर्पण किस प्रकार से? एक कथा से बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कोई एक नौकर है, सेठ जी के यहाँ पे काम करता है। सेठ जी बोलते हैं कि देखो, मैं सुबह व्यायाम के लिए जाता हूँ, वहां से आकर के मैं थोड़ा दूध, थोड़ा मेवा, थोड़ा कुछ सामग्री इस प्रकार की लूंगा और मुझे दिया करो। नौकर रोज सुबह सुबह उनको ये सारी सामग्री प्रस्तुत कर देता है। एक दिन सेठ जी बोलते हैं कि अरे, हम कश्मीर गए थे, वहां से हम एक सुंदर चांदी की ट्रे लाए थे, उसमें लाके दिया करो। बोला ठीक है महाराज, आप चांदी की ट्रे में मांग रहे हो, चांदी के में। बोल रहे, हम दक्षिण भारत गए थे, वहां से हम सोने का गिलास लाए थे, उसमें दूध दिया करो। बोले सोने के गिलास में दूध ले लो। अब यहाँ पे ये जो नौकर है, ना तो वो अपने घर से चांदी की ट्रे ला रहा है, ना सोने का गिलास ला रहा है, ना दूध ला रहा है, ना रबड़ी ला रहा है, ना मावा ला रहा है, कोई भी नाश्ते की सामग्री नहीं ला रहा है, लेकिन जैसे जैसे सेठ जी बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा करता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से बलि महाराज ने भी यही किया। विंध्यावली जी बता रही हैं कि प्रभु, हमने कुछ भी आपको अपना नहीं दिया है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, आपने ही राज्य दिया था, आपने ही धन दिया था, आपकी ही ये पृथ्वी है, आपका ही स्वर्गलोक है, आप जैसे बोलोगे। आपने बोला संकल्प करके दान दो, हमने संकल्प करके दान दे दिया। आपने बोला ऐसे नहीं, ऐसे दान दो, हमने ऐसे दान दे दिया। अरे भाई, हम दान थोड़ी दे रहे हैं, हम तो आपकी वस्तु त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पस्य, कि आपकी वस्तु हम आपको ही समर्पण कर रहे हैं, हमने दान नहीं दिया है, हमने तो केवल समर्पण मात्र किया है। भगवान समझ गए, अगर विंध्यावली जी ये श्लोक नहीं बोलती तो बलि महाराज को जो आंतरिक भाव था कि उन्होंने जो समर्पण किया है, जो आत्मनिवेदन किया है, वो कभी प्रस्तुत नहीं होता। तो यहाँ पे विंध्यावली जी ने कहा है कि हे प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही संपूर्ण जगत की रचना की है, जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं, जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ का कर्ता मानने वाले निर्लज आपको हम क्या समर्पण करेंगे। तो वास्तव में आपका ही है, अब आप चाहो अगर हम आपको समर्पण नहीं भी करते, आप तो हो ईश्वर, वैसे ही हमसे छीन लेते। अब भगवान तो ईश्वर है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, कुछ भी करने में समर्थ है, इसलिए तो भगवान है वो। तो वैसे भी आप ले ही लेते, तो हमने तो केवल क्या किया है, आपने याचना की, एक भिक्षुक बन करके, एक ब्राह्मण बालक बन करके हमने आपको समर्पण कर दिया। लेकिन भगवान समझ गए कि इनके अंदर की भक्ति क्या है। तो भगवान ने जब इनके अंदर की भक्ति को देख लिया, तब भगवान इनसे बहुत प्रसन्न हुए कि वास्तव में यही भक्ति का मर्म है। जैसे कुछ लोग होते हैं भक्ति का दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और रहता है, कुछ मान प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे उल्टा है।
एकदम जैसे जो गोपियों का जो भाव है, गोपियां दिखाती हैं कि जैसे हमें कृष्ण से कुछ चाहिए है। अगर आप गोपी गीत देखें तो उसमें ऐसा ही भाव प्रकट होता है। लेकिन अगर जब आचार्यों की टीकाओं का आश्रय लिया जाएगा तो वहां प्रदर्शित होगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे तत्सुखी भाव है कि भगवान को जो वस्तु आवश्यक है, भगवान को जो जिससे सुख मिलता है, गोपियां वो वस्तु उनको प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो यही पे यहाँ पे बलि महाराज का भी एकदम वही का वही भाव है कि हे प्रभु, आपको अगर इस पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक जो भी अगर मुझे बांधने से भी आपको संतुष्टि मिलती है तो आप मुझे बांध लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ये सब देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरे कहां, तो भगवान कहते हैं पुराणों में लिखा है कि तुलसी दल मात्र ना जल सचुलके ना विक्रीड़ तो आत्मानो भक्तव्यो भक्तवत्सला। कि भगवान आपके ही वचन है, आप ही कह रहे हो कि तुलसी दल मात्र ना, कि एक तुलसी दल से जल सचुलके ना चुल्लू भर जल से आप क्या हो जाते हो, बिक जाते हो, विक्रीड़ तो आत्मानो। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बेच देता हूँ। इसलिए बोले भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, मैं ऐसा भक्तवत्सल हूँ कि अपने भक्तों के लिए एक तुलसी दल थोड़े से जल से ही बिक जाता हूँ। और यहाँ तो बलि ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, अपना देह तक निछावर कर दिया है, फिर भी आप इसको बांध क्यों रहे हैं प्रभु, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ब्रह्मा से बोलते हैं कि देखो ब्रह्मा, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं समझे। अच्छा, भगवान कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा, ब्रह्मन यम अनुग्रहामी तद विश्व विदनोमी हम, कि यम अनुग्रहामी, भगवान कह रहे हैं हे ब्रह्मा सुनो, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, यम अनुग्रहामी तद विषह विषह धनम, उसके मैं धन को विदनोमी हर लेता हूं, नष्ट कर देता हूं। ये केवल उन्हीं के ऊपर होता है जिनके ऊपर भगवान कुछ विशेष कृपा करते हैं, जो वास्तव में भगवान की भक्ति चाहते हैं, वो भक्ति छोड़ के कुछ नहीं चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर ही भगवान इस प्रकार की अहेतु की कृपा करते हैं। अन्य सामान्य जनों के ऊपर ऐसी कृपा नहीं होती। अन्य लोगों को तो भगवान धनम देहि पुत्रम देहि और ये सब देहि देते रहते हैं, जो मांगते हैं वो सब दे देते हैं। लेकिन जो एकदम पराकाष्ठा है जिनकी भक्ति में, जो भगवान के व्यतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की लालसा नहीं करते, उनको फिर भगवान इस प्रकार की कृपा करते हैं कि उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो वही यहां पे भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा को, देखो ब्रह्मा, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं ना, उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं, विशो विधनो में उसका धन नाश कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यन मदह पुरुषा स्तब्धो लोकम माम चा अवमन्यते, क्योंकि इस धन के मद में ही लोग क्या करते हैं, मेरा और जो सत सज्जन लोग हैं उनका क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। इसलिए मैं धन का नाश कर देता हूं। किसके धन का नाश करता हूं? जो एकदम मेरे परायण हैं और मेरी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहते। तो जब हम केवल भगवान के पाद पद्मों का ही स्मरण करेंगे और पाद पद्मों का ही स्पृहा करेंगे, तभी भगवान इस प्रकार की कृपा करते हैं, अन्यथा वो ऐसी कृपा नहीं करेंगे। उनको क्या पड़ी है, उनके गोलोक में कोई भक्तों की कमी थोड़ी है कि उनके सेवकों की या नित्य परकरों की कोई कमी है कि जो हमारी याचना करेंगे कि भाई आ जाओ, उनको कुछ नहीं पड़ा है ऐसा। वो तो हमें लालसा दिखानी होगी, तब कहीं जाके भगवान इस प्रकार की कृपा करेंगे। ये वास्तव में सबसे बड़ी, जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं वो ये बात नहीं समझ सकते कि ये अनुग्रह है। उनको तो लगेगा अरे ये कैसे भगवान है कि इनसे धनी छीन लिया, संपदा छीन ली। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का मर्म समझता है और क्या शुद्ध भक्ति, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन क्या है, वो व्यक्ति समझ सकता है कि ये क्या कर रहे हैं और भगवान क्यों ऐसी कृपा कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं समझ सकता, केवल जो शुद्ध भक्ति के प्रार्थी हैं वही व्यक्ति इसको समझ सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति के जन्म मरण के संसरण समाप्त होते हैं, तभी उसको भगवत भक्ति और भक्तों का संग प्राप्त होता है और उसकी ऐसी गति प्राप्त होती है, अन्यथा उसको नहीं होती ऐसी कभी गति। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि देखो ब्रह्मा, तुम्हें बीच में बिचौलिया पने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें ज्ञान देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, तुम अभी शांति रहो।
जब इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा को संतोष प्रदान किया, फिर इसके बाद भगवान ने कहा कि बलि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंद्र का पद दूंगा, लेकिन बस थोड़े काल का विलंब है, थोड़ी सी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके उपरांत तुम्हें निश्चित ही ये जो इंद्र का पद है, जो सबसे अवलिषित वस्तु है। भक्त लोग क्या चाहते हैं, आप जितने भी भक्तों की प्रार्थना देखेंगे तो कोई भी भक्त भगवान से, भगवान को नहीं चाहता है, क्या चाहता है, भक्तों का संग चाहता है। तो वही यहां पे मानो यद्यपि भगवान ने ये बात गुह रूप से कही थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको प्रत्यक्ष रूप से वर्णित कर दिया कि भगवान का भाव क्या है, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं, हर जगह, हर स्थिति में, हर लोक में, सभी जगह हैं, लेकिन फिर भी असुर असुर ही रहते हैं, कुछ ही लोगों को भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति प्राप्त कहां से होती है, भक्ति प्राप्त होती है सताम प्रसंगाम मम वीर संवेदो। कपिल मुनि बता रहे हैं कि सताम प्रसंगाम मम वीर संवेदो। सताम, सताम अर्थात संतों का, संतों का क्या करना है, संग, संग भी कैसे करना है, बोलना है सताम प्रसंगाम, प्रकृष्ट रूपेण संगः। प्रकृष्ट रूपेण संग क्या होता है, चक्रवर्ती पाद निवेदन करते हैं कि प्रकृष्ट रूपेण संग वह होता है, एक तो गए कि संत कहीं पे कथा कर रहे थे, हम बैठ गए सुनने लगे, अच्छी बात है, लेकिन संत वास्तव में चाहते क्या है, जो हमारे गुरु वर्ग हैं, वैष्णव जन हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति करते हुए अगर हम उनकी सेवा करते हुए उनसे कथा श्रवण करेंगे तो उसका विशेष लाभ होता है। जैसे नारद मुनि का हुआ, नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तो उन वैष्णवों का क्या कर रहे थे, कथा श्रवण भी कर रहे थे, उनकी सेवा भी कर रहे थे। तो प्रसंगाम, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदहा। अब संतों के संग में करना क्या चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए और मम वीर संविदहा। मम वीर अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरी जो गौरवपूर्ण वीरपूर्ण जो कथाएं हैं उनका अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है, है ना, तो मम वीर संविदहा भवंति हित कर्ण रसायन कथा, तो उसके लिए ये कथा कैसी हो जाती है, रसायन की तरह कार्य करती है। तीन वस्तु होती हैं, जैसे एक होती है औषधि, औषधि कड़वी होती है, रोग निवारक होती है, लेकिन बलवर्धक नहीं होती है। लेकिन जो रसायन होता है, रसायन में क्या होता है, तीनों वस्तुएं होती हैं, उसमें बलवर्धकता भी होती है, शक्ति देती है, टॉनिक जैसा होता है ना, तो रसायन टॉनिक होता है, रसायन में रोग निवारकता भी होती है। हाँ, मतलब रोग को तो दूर करेगा ही, साथ में बल भी प्रदान करेगा, और तीसरी चीज वो स्वादु भी होता है, उसका स्वाद बड़ा ही अच्छा होता है, जैसे मधु है, शहद है, तो वो रसायन की श्रेणी में आता है, क्यों, तीनों चीजें उसमें है। तो इस प्रकार से जो रसायन होता है उसमें तीनों वस्तु होती है, वो स्वादु होता है, रोग विनाशक होता है, और साथ में बलवर्धक भी होता है, शक्तिवर्धक होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो कथा की जो उपमा दी गई है, जो श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवत कथा है, उसकी उपमा किससे दी गई है, भवंत हित कर्ण रसायन कथा, के हृत कर्ण, कर्ण रूपी दोने से हृदय रूपी पात्र में जो कथा संग्रहित होती है वो कैसी होती है, वो कथा नहीं है, वो रसायन है। जब कोई ऐसी कथा को बार बार पीता है तो उसके भव रोगों का नाश हो जाता है, भगवान के माधुर्य रूपी जो मधुरता है उसका आस्वादन होने लगता है, और भक्ति करने की जो, विशेष रूप से जो साधन भक्ति करने की शक्ति है, वो उसको कथा सुनने से ही प्राप्त होती है। जितनी मात्रा में व्यक्ति कथा का श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करता है, या फिर भगवान के नाम का जप करता है, उतनी मात्रा में उसके हृदय रोग का नाश हो जाता है, उतनी ही मात्रा में उसको भगवान की कथा सुनने की और अधिक अधिक लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसका रहस्य है। इससे क्या होता है, तो आगे बता रहे हैं कि जब कथा सुनेंगे तो क्या होगा, तद्जोषणात, इस कथा के सेवन से तद्जोषणात अपवर्ग वर्तमनी, व्यक्ति मुक्ति के मार्ग के लिए अग्रसर हो जाता है। जैसे जैसे कथा सुनता है धीरे धीरे उसका जितना भी पाप का प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाता है, अपराध के प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं, और जो उसकी अनर्थ निवृत्ति है वो पूर्णतः नष्ट होने लगती है, और श्रद्धा रतिर अनुक्रमश्यति,
जो भक्ति के जो सारे सोपान है वो मानो वो यहाँ पे बता दिया। ये एक श्लोक में मानो कपिल भगवान ने पूरी भक्ति के जो साधन भक्ति है और साधन भक्ति के बाद में जो रागानु रागात्मक भक्ति है उसकी भी यहाँ पे कल्पना करा दी कि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमस्यति। अनुक्रमस्यति में फिर आगे के जितने भी हैं कि उसको अनर्थ निवृत्ति तो हो गई, निष्ठा भी आ गया, रुचि भी आ गई, आसक्ति भी हो गई, भाव के स्तर पर व्यक्ति आ गया, फिर प्रेम भी आ गया, प्रेम के बाद फिर भगवान का साक्षात्कार भी प्राप्त हुआ, उस साक्षात्कार के बाद भगवान का माधुर्य आस्वादन भी उसको प्राप्त हो गया। श्लोक केवल चार लाइनें हैं लेकिन पूरी हमारी जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की जो साधन भक्ति है उस प्रणाली को यहाँ पे कपिल भगवान ने मानो निरूपित कर दिया है। तृतीय स्कंद बड़ा ही सार गर्भित है। तृतीय स्कंद में जितनी भी बातें बताई गई हैं थोड़ी सी पढ़ने में समझने में थोड़ी जटिल है लेकिन उनकी जो गुत्थियां खुली जा रही हैं वो बड़ी सार गर्भित है। भक्ति रसामृत सिंधु के कई श्लोक जो रूप गोस्वामी पाद ने निरूपण किए हैं या अपने तरीके से जो संकलित किए हैं वह पूरे पूरे तृतीय स्कंद के जो आखिरी जो कपिल भगवान के जो गीत है कपिल गीता जिसको कहा जाता है उससे ही सीधे सीधे उद्धृत किए हैं और उसी का ही प्रमाण दिया गया है। भगवान कपिल के ने जो भक्ति के मर्म और भक्ति के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं बड़े ही सार गर्भित हैं। बड़े ध्यान से और धैर्य से इसको समझना चाहिए। अगर इसको कोई समझ लेता है तो साधन भक्ति का जो रहस्य है क्योंकि विशेष रूप से जो बद्ध अवस्था में जो जीव होता है उसको साधन भक्ति समझने की बहुत आवश्यकता होती है। आजकल प्रायः होड़ लगी हुई है कि रागानुग भक्ति की बात करिए, गोपियों ने कृष्ण के साथ में कैसी कैसी लीलाएं की वो सब सुनना चाहते हैं लेकिन साधन भक्ति जो है उसके मर्म पर बहुत कम लोग विचार करना चाहते हैं। प्रारंभिक दशा में साधन भक्ति पर अधिक विचार होना चाहिए। जब व्यक्ति साधन भक्ति में परिपूर्णता अर्जित कर लेगा तो अपने आप ही पर रागानुग हो जाएगा और रागानुग जैसे ही हो जाएगा फिर उसको अपने को लगाना नहीं पड़ेगा भक्ति में, वो अपने आप ही पर दौड़ने लगेगा, है ना। फिर उसको प्रयास नहीं गई मैंने साधन भक्ति और रागानुग भक्ति में यही भेद होता है। साधन भक्ति में अपने आप को लगाना पड़ता है, जप करना पड़ता है, कथा के लिए सुनने के लिए प्रेरित करना पड़ता है लेकिन रागानुग भक्ति में क्या हो जाता है फिर करना नहीं पड़ता, फिर स्वतः ही होती हैं चीजें। तो उस स्थिति में आने के लिए लेकिन साधन भक्ति करना आवश्यक होती है। तो यहाँ पे आज के जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी ने यही बात बताई कि भगवान मानो कह रहे हैं कि हे बलि तुम्हारे जितने भी असुरों के संग से जो कुसंग की वृत्ति आ गई है, स्वभाव आ गया है, उसको परिवर्तन करने के लिए साधु संग करना आवश्यक है। यद्यपि स्वभाव जो वृत्ति है जो पिछले जन्म के संस्कार है वो इतने जल्दी क्षय नहीं होते हैं, बहुत समय लग जाता है लेकिन फिर भी अगर प्रसंग किया जाए, सताम प्रसंगाम, अगर प्रकृष्ट रूपेण संतों का संग किया जाए, बार बार उनसे विनती की जाए कि हम जैसे पामरों का जो पतित है उनका कैसे उद्धार होगा, तो निश्चित हम जैसे पापियों का भी उद्धार करने के लिए संतगण कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बताएंगे और हमारा उद्धार हो ही जाएगा। तो आज की वाणी को मैं यहीं विराम करता हूं। किसी कोई प्रश्न है तो कृपया आप पूछ सकते हैं। हाँ, पीछे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए अगर भक्तों का संग हमें प्राप्त हो गया है तो भगवान तो मिले ही मिलाए हैं। भगवान अगर प्राप्त हैं तो भक्ति प्राप्त है ये आवश्यक नहीं है। जैसे कई लोग हैं जैसे दुर्योधन था, उनको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। महाभारत के समय में उस काल में कई लोगों को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो ऐसा थोड़ी उनको भक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन अगर जिनको भक्तों का संग मिल गया तो उनकी बुद्धि जरूर सुधर गई। जैसे दुविध ब्राह्मण एक बानर था दुविध नाम का, वो भगवान राम के समय में था, तो हनुमान जी नील अंगद इनके संग में था, यद्यपि था वो दुष्ट लेकिन हनुमान जी के संग में था तो उसकी बुद्धि सुधर गई थी। उसने भगवान राम की सेना में युद्ध किया था, उसका नाम आता है वहां पे। लेकिन वही दुष्ट जब जो दुविध क्या किया, उसने असुरों का संग करना प्रारंभ कर दिया तो वह व्यक्ति दुर्जन हो गया। इसका मतलब यह हुआ तात्पर्य कि जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है
उसको तो भक्ति मिली मिलाई है, भगवान का संग आवश्यक नहीं है। भगवान के संग से हो सकता है भक्ति मिले या नहीं मिले, लेकिन भक्तों का संग अगर मिला है तो निश्चित ही भक्ति मिलेगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ऐसे पूछ ली।